ये बैक बटन क्यों नहीं आता? कैसे एक औरत ने स्पैम ईमेल से 22 करोड़ कमा लिए? और ऐसा क्या हुआ कि इस औरत ने हजार दिनों तक लगातार छींका? रीजन जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी के मरने पर उनके नाक में कॉटन क्यों डाला जाता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 22, ये फैक्ट आपकी जान बचा सकता है। ऐसा कभी होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई किडनैप कर लेता है और आपके हाथों को बांधता है और मुंह पर टेप लगा देता है, तो आपको टेप को अपने जीभ से लीक करना है। ऐसे करने से ग्लू निकल जाएगा और कुछ देर में टेप अपने आप आपके मुंह से निकल जाएगी। इसके बाद आप आवाज करके खुद की जान बचा सकते हो। नंबर 21, एक महिला एक स्पैम ईमेल से 22 करोड़ रुपए जीत गई। लॉरा स्पियर्स नाम की एक महिला थी। इन्हें एक दिन कई सारे ईमेल्स आ रहे थे कि वो $3 मिलियन जीत गई। इन्हें लगा कि ये फेक है और उन्होंने सारे ईमेल्स को इग्नोर किया, जिसके बाद प्राइज वाले किसी और को प्राइज देने वाले थे, लेकिन आखिरी ईमेल पर इसने रिप्लाई किया और लकीली ये सारी चीजें रियल थी और उसे सच में $3 मिलियन यानी कि 22 करोड़ रुपए मिल गए। वाह भाई, काश इतना लक हमारा भी होता, वरना 2 मिलियन सब्स कब का हो गए होते। नंबर 20, आपके साथ ये जरूर हुआ होगा कि जब भी आप चाय में बिस्किट डालते हो तो कभी कभी बिस्किट गीला होके टूट जाता है, तो इससे बचने के लिए है ये बिस्किट होल्डर। इसकी मदद से आपका बिस्किट अंदर डूबेगा ही नहीं। और कुछ लोगों ने मजाक के लिए इसे 2021 का बेस्ट इन्वेंशन भी कहा है। नंबर 19, इस महिला ने करीब हजार दिनों तक लगातार छींका था। इन्होंने छींकना 1981 में शुरू किया था और 1983 में इन्होंने आखिरी छींक ली थी। इनको कोई बीमारी नहीं थी, इन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि ये छींकने का रिकॉर्ड बना सके। इन्होंने पहले एक साल में करीब 10 लाख बार छींका था। नंबर 18, हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो पूरा इंटरनेट पर स्ट्रॉबेरी में फिट हो जाता है। जितना भी इस दुनिया का डेटा है उन सब का वेट करीब 50 ग्राम जितना है, यानी कि एक नॉर्मल स्ट्रॉबेरी जितना। सोचिए ये कितना ज्यादा अमेजिंग है कि पूरा इंटरनेट पर स्ट्रॉबेरी जितने वेट में आ जाता है। नंबर 17, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप किसी दोस्त का नाम भूल जाते हो जिससे आप ज्यादा बात नहीं करते, और अगर आपको उनका नाम फिर से पूछना है या फिर अगर आप उनके सामने उनका नाम सेव करना है, तो आपको उसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है, और वो स्पेलिंग बोले उसके बाद आपको कहना चाहिए नहीं मैं सरनेम पूछ रहा था। इससे आप उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बच जाओगे और आपके इस दोस्त को बुरा भी नहीं लगेगा। नंबर 16, साल 2015 में एक शादी का खर्चा बर्गर किंग कंपनी ने उठाया था। ये शादी जोएल बर्गर और एशली किंग के बीच हुई थी, और अगर इन दोनों के सरनेम को मिलाया जाएगा तो वो बर्गर किंग बनेगा। और जब बर्गर किंग को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इनकी शादी को स्पॉन्सर करने का सोचा, और अगर फ्री में कोई इतना खर्चा बचा रहा है तो कौन ही इस ऑफर को जाने देगा। नंबर 15, इंग्लिश का हर एक वर्ड साइलेंट होता है, जैसे कि सुनामी में टी साइलेंट है, और इंग्लिश में हर एक वर्ड साइलेंट हो सकता है सिवाय वी के। इंग्लिश में बस वी ही एक ऐसा लेटर है जो किसी भी वर्ड में साइलेंट नहीं रहता। नंबर 14, चिंपैंसीज कई बार खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उन्हें गैस हो जाता है, जिसके बाद वो जंगल में इतनी जोर जोर से फाट मारते हैं कि कई बार तो रिसर्चर्स उनके फाट के जरिए ही उन्हें ढूंढ लेते हैं। और पहली बार जब लोगों को इनके फाट के बारे में पता चला तो कुछ रिसर्चर्स को लगा कि कहीं जंगल में बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं हो रहा। नंबर 13, आपने पिंकी प्रॉमिस सुना होगा, जो कि हम ऐसे छोटे उंगली से करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक डरावना सच है। दरअसल पहले के वक्त तब बड़े बड़े लोग एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस करते थे, और जो भी इस प्रॉमिस को तोड़ता था तो उसे अपने पिंकी फिंगर काटना पड़ता था, लेकिन आज पिंकी प्रॉमिस को काफी हल्के में लिया जाता है। नंबर 12, एक आदमी था जो कि एक सोल्जर था, और इस सोल्जर ने World War I भी लड़ा था, लेकिन इस लड़ाई में उनके सर पे एक गोली लग गई, और इसके बाद इन्हें एक रेयर बीमारी हो गई जिसकी वजह से इन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। ये उसके बाद करीब 40 साल तक नहीं सो पाया और इसके बाद इनकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स का कहना था इन्हें ऐसी जगह पर चोट लगी थी जिसकी वजह से इनका ब्रेन सोने का सिग्नल ही नहीं दे पा रहा था, इसीलिए इन्हें नींद नहीं आ रही थी। नंबर 11, ये एक फैक्ट है कि अगर आपको आपकी जर्नी में मजा नहीं आ रहा तो आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी मजा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हो और आपको वो काम करने में मजा नहीं आ रहा तो गोल अच्छे होने के बाद भी आपको शायद उसमें मजा ना आए। इसलिए हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिसे काम करते टाइम भी आपको मजा आए।
है। नंबर 10, क्या आपको पता है सिंगापुर का मतलब है लायन सिटी, यानी कि शेर की सिटी, और ऐसे शेर के फाउंटेन देख के हमें सिंगापुर ही याद आता है। पर फनी बात तो यह है कि आज तक नेचुरली सिंगापुर में एक भी लायन नहीं मिला है, यानी कि सिंगापुर में आज तक एक भी लायन मौजूद ही नहीं था। नंबर 9, पर इस चैन को देखो, ये पत्थर से बनाई गई है, वो भी आज से हजारों साल पहले, जो बाकी देशों को इंसानियत क्या होती थी ये भी पता नहीं था। तब भारत में ऐसे पत्थर से चेन बनाई जा रही थी, जो कि आज भी करना बहुत मुश्किल है। नंबर 8, अर्थ पर अगर आप गोली चलाते हो तो थोड़े आगे जाने के बाद वो गोली रुक जाती है, लेकिन अगर आप स्पेस में गन फायर करोगे तो वो कभी भी नहीं रुकेगी। अगर वो किसी प्लेनेट या फिर किसी एस्ट्रॉइड से ना टकराए तो वो हमेशा के लिए चलती रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स का एंड कहाँ है ये कोई भी नहीं जानता। नंबर 7, ये देखो, ये है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली, इसका नाम है केफिर। कई लोग इसे पहली बार देख के डॉग समझते हैं, क्योंकि ये आम बिल्ली से कई ज्यादा गुना बड़ी है और ये करीब 2 साल की है। इसके पास सबसे ज्यादा बड़ी कैट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसका वजन करीब 12 kg है। और आप बिल्ली पालते हो तो आपको पता होगा कि ये वजन एक बिल्ली के लिए कितना ज्यादा है। नंबर 6, इस कमाल के स्टैचू को देखो, जिसे पूरी तरीके से एक टायर से बनाया गया है। इसे बनाने के पीछे एक रीजन है कि ये लोगों को बताता है कि चीजें रिसाइकल करना कितना जरूरी है। ये टायर बहुत मजबूत होते हैं और इन्हें नेचुरली भी डिग्रेड होने में कई साल लगते हैं, यहाँ तक कि इन्हें जलाया भी नहीं जा सकता। नंबर 5, कोल्ड फिश के सामने अगर खूब खाना है और अगर उसका पेट भर भी गया तो वो लगातार खाते ही रहेगी, ये उनकी आदत है। और ये ऐसा क्यों करती है ये अब तक एक मिस्ट्री है, लेकिन ऐसा करने से गोल्ड फिश की जान भी जा सकती है। नंबर 4, एक सर्वे के हिसाब से जो लोग अपने सोशल मीडिया पर अपना रोज का फिटनेस रूटीन डालते हैं वो भी बिना किसी के मांगे, तो हो सकता है उन्हें एक डिसऑर्डर हो, जिसके चलते उन्हें अपना फिटनेस रूटीन दूसरों के साथ शेयर करने का मन करता है, इसलिए वो रोजाना ऐसा करते हैं। और इस डिसऑर्डर का इलाज नहीं है, क्योंकि ये बस आदमी की सोच पर है। नंबर 3, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप दूसरे कंट्री में घूमने जाते हो और अगर आप सुनो कि आपके आसपास सीटी बज रही है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये पिक पॉकेटर्स का काम हो, जो कि अपने दूसरे साथी को आपके ऊपर अटैक करने के लिए अलर्ट कर रहे हो। यहाँ तक कि भारत में भी बाहर के लोगों के साथ ऐसा कई बार हुआ है। नंबर 2, आपने कई बार देखा होगा कि भारत में मरे हुए लोगों के नाक में जुई डाली जाती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल जब एक आदमी मर जाता है तो उसके शरीर के अंदर कई रिएक्शन होते हैं और उनका शरीर फूलने लगता है, पर तब उनका मुंह और बाकी सारे छेद बंद होते हैं, इसीलिए गैस बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही जगह होती है, वो है नाक। और ये गैस बहुत ज्यादा बदबूदार होती है, साथ में गैस के साथ साथ शरीर से काफी ज्यादा मात्रा में खून भी बाहर निकलता है, जो कि देखने में काफी डरावना और अजीब लगता है। और शास्त्रों के हिसाब से भी ऐसे खून नहीं निकलना चाहिए, इसलिए जुई डाली जाती है ताकि बाहर आते ब्लड के फ्लो को रोका जा सके। नंबर 1, जो लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता होगा कि आईफोन में होम बटन और बैक बटन होता ही नहीं, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल एप्पल ने आईफोन 8 तक होम बटन दिया था, लेकिन उसकी वजह से एप्पल के फोन की साइज काफी छोटी रहती थी। वही पर एंड्रॉइड कंपनीज काफी बड़े बड़े स्क्रीन साइज के फोन निकाल रही थी, जो कि एप्पल के कॉम्पिटिशन के लिए बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद उन्हें एप्पल के बैक के लिए काफी स्पेस भी मिली थी, क्योंकि एप्पल के बैक में बस होम बटन डालने के लिए अलग सिस्टम डाला जाता था। लेकिन आज भी एंड्रॉइड में होम और बैक बटन दोनों आते हैं, जो कि एंड्रॉइड को कई गुना ज्यादा यूजफुल बनाती है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले।